हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने उड़ान क्षमता योग्य एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लेयर का निर्माण किया है जो अब तक की सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना है। ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी स्टेफन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देखिए, हाल ही में जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने उड़ान क्षमता योग्य एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लेयर का निर्माण किया है जो अब तक की सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना है। यह एक रेत के दाने के आकार का है और इसमें कोई मोटर या इंजन नहीं है। यह मैपल के पेड़ के प्रोपेलर बीज की तरह हवा के माध्यम से उड़ान भरता है और हवा के ही माध्यम से एक हेलीकॉप्टर की तरह घूमता है। इंजीनियरों ने मैपल के पेड़ों और अन्य प्रकार के हवा में बिखरे हुए बीजों का अध्ययन करके इसका डिजाइन विकसित किया है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वो ऊंचाई से गिराया जाए तो नियंत्रित तरीके से धीमी गति से गिरेगा। यह गुण इसकी उड़ान को अधिक स्थिर बनाता है और इसे एक व्यापक क्षेत्र कवर करने में मदद करता है जिससे यह अधिक समय तक हवा में रह सकता है। यह वायु प्रदूषण और वायुजनित रोगों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। जेम का चयन दो अन्य वर्गों अर्थात पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर तथा बेस्ट इनिशिएटिव टू बिल्ड एंड डाइवर्स सप्लाई बेस के में भी फाइनलिस्ट के रूप में किया गया है। यो जो है आपका यो प्रोक्योरमेंट यानी खरीद कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद जेम इस वर्ग में विजेता बनकर उभरी। इसका आयोजन लंदन के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई यानी चिप्स के तत्वाधान में किया जाता है। चिप्स 150 देशों के एक समुदाय के साथ प्रोक्योरमेंट तथा आपूर्ति प्रबंधन के अच्छे प्रचलनों का बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन तथा पेशेवर निकाय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए गए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी ऑप्शन डी है आपका 6। देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों में जैसे विश्वविद्यालय, प्लस टू परिषदों, NSS इकाइयों और इसके कार्यक्रम अधिकारियों तथा स्वयंसेवकों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 1993-1994 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा NSS पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। NSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के नेतृत्व, व्यक्तिगत और चरित्र के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। NSS की विचारधारा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। इसका आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप यानी नॉट मी बट यू है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 3। ये 3 श्रेणियों में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार की फैनी नीति 2021 ने भौगोलिक संकेत प्रमाणिक काजू से निर्मित गोवा की फैनी को अन्य अंतर्राष्ट्रीय शराब जैसे मेक्सिको की टकीला, जापानी सेक और रूस की वोडका के बराबर लाने का मार्ग प्रशस्त किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। देखिए हाल ही में जो है वो गोवा सरकार की फैनी नीति 2021 ने भौगोलिक संकेतक प्रमाणित काजू से निर्मित गोवा की फैनी को अन्य अंतर्राष्ट्रीय शराब जैसे मेक्सिको की टकीला, जापानी सेक और रूस की वोडका के बराबर लाने का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष 2016 में गोवा सरकार ने फैनी को गोवा की हेरिटेज स्प्रिट के रूप में वर्गीकृत किया। गोवा काजू फैनी हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला शराब उत्पाद है, जिसे वर्ष 2000 में GI प्रमाणन प्राप्त हुआ। केवल काजू फैनी को GI टैग प्रदान किया गया है। फैनी जो है वो आपका नारियल और काजू के फलों से बना एक काढ़ा है और गोवा के लोकाचार एवं पहचान का पर्याय है। पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील से भारत में काजू के पौधों को आयात करने के बाद फैनी का निर्माण पहली बार 1600 के दशक में गोवा में किया गया था। वर्तमान में गोवा में फैनी की 26 किस्मों का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महिला अधिकार कार्यकर्ता का हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए कल्पना त्यागी, ऑप्शन बी ममता शर्मा, ऑप्शन सी कमला भसीन, ऑप्शन डी अलका अग्रवाल। देखिए महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला भसीन का हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कमला भसीन संगत फेमिनिस्ट नेटवर्क के साथ अपने कार्य के लिए काफी प्रसिद्ध थी। साथ ही उन्हें उनकी कविता क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है के लिए भी जाना जाता है। एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में कमला भसीन 35 वर्षों से अधिक समय तक विकास, शिक्षा, लिंग, मीडिया और कई अन्य संबंधित मुद्दों में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने वर्ष 1972 में राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के सशक्तिकरण हेतु एक स्वैच्छिक संगठन के साथ कार्य करना शुरू किया। वर्ष 1976 से वर्ष 2001 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ काम किया। वर्ष 2002 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दे दिया और संगत संगठन के साथ बतौर संस्थापक सदस्य और सलाहकार के रूप में कार्य शुरू किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कमला भसीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन ए जिम क्रो, ऑप्शन बी मैथ्यू हैसन, ऑप्शन सी जायला अवानगार्डे, ऑप्शन डी लायोड ऑस्टिन। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्वेट्रम और डी ग्रेलोचे क्रेटर के बीच स्थित हैसन क्रेटर वो क्षेत्र है जहां नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत लैंडिंग की योजना बनाई जा रही है। 8 अगस्त 1866 को मैरीलैंड में जन्मे मैथ्यू अलेक्जेंडर हैसन अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने प्रसिद्ध अन्वेषक रॉबर्ट ई पेरी के साथ कई अन्वेषण अभियानों में हिस्सा लिया, जिन्होंने वर्ष 1909 में उत्तरी ध्रुव का अन्वेषण अभियान भी शामिल है। इस अभियान के दौरान मैथ्यू हैसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले अन्वेषकों में से एक थे। आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषक कार्यक्रम का माध्यम से नासा ने जो है वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मैथ्यू हैसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं के हालिया अध्ययन के दौरान उद्विलाव की एक पूर्व अज्ञात प्रजाति के जीवाश्म की खोज की गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। देखिए जर्मन शोधकर्ताओं के हालिया अध्ययन के दौरान उद्विलाव की एक पूर्व अज्ञात प्रजाति के जीवाश्म की खोज की गई है जिसे
विष्णु ऑनिक्स नेपच्यून नाम दिया गया है। इस प्रजाति की खोज हेमरचस्मीडे क्षेत्र में 11.5 मिलियन वर्ष पुराने स्ट्राटा से की गई है, जो कि जर्मनी के वेवेरिया में एक जीवाश्म स्थल है जिसका अध्ययन पिछले लगभग 50 वर्षों से किया जा रहा है। यह यूरोप में विष्णु ऑनिक्स प्रजाति के किसी भी सदस्य की पहली खोज है। इससे पूर्व इस प्रजाति के सदस्यों के ज्ञात अवशेष जो है वो आपका केवल एशिया और अफ्रीका से प्राप्त हुए थे। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि विष्णु ऑनिक्स लगभग 12 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्व अफ्रीका तक पहुंच गए थे। विष्णु ऑनिक्स काफी हद तक जल पर निर्भर थे और वे भूमि पर लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच की लंबी दूरी की यात्रा संभवतः 12 मिलियन वर्ष पूर्व की थी, जब अल्पास पर्वतमाला का निर्माण अपने प्रारंभिक चरण में था। यानी कि ये जो है आपका पहले सिर्फ एशिया और अफ्रीका में प्राप्त थे ये अवशेष इसके, लेकिन अभी जो है आपका जर्मनी में प्राप्त, यानी अभी ये यूरोप में भी पाए जा रहे हैं इसके अवशेष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। देखिए हाल ही में जो है दो भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसमें आपका एक है जो तमिलनाडु का कोवलम बीच और दूसरा पुदुचेरी का ईडन बीच शामिल है। अब तक भारत में 8 समुद्र तटों को यह प्रमाणन प्राप्त हुआ प्रमाणन मिला है। इसमें आपका पहला शिवराजपुर गुजरात, घोगला द्वीप, कासरकोड, पुदुवित्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रसिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा और राधानगर अंडमान और निकोबार शामिल है। अब इस तरह जो है अब भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तटों की कुल संख्या जो है वो आपका टोटल 10 हो गई है। ब्लू फ्लैग किसी भी समुद्री तट को दिया जाने वाला एक खास किस्म का प्रमाण पत्र है, जो कि फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम के इस एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर स्थित इस संगठन द्वारा जो है आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2। दो तटों समुद्र तटों को जो है अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। देखिए विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष जो है वो आपका 26 सितंबर को पूरे राष्ट्रों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योग तथा शिपिंग सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दुनिया भर में 90% व्यापार जो है वो समुद्री रास्तों से ही किया जाता है। व्यापार संयुक्त राष्ट्र संघ वो विकास सम्मेलन के अनुसार किया जाता है। इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस 2021 की थीम समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस का विषय संयुक्त राष्ट्र को सतत विकास को महत्व और जागरूक बनाना है, जिसमें समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे। विश्व समुद्र दिवस पहली बार जो है वो आपका सन 1978 में मनाया गया था, जिसके पहले 1958 में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत दिनांक को चिन्हित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा 26 सितंबर। वैसे कहीं कहीं पे आपको 24 सितंबर में मिल जाएगा, ठीक है। 24 सितंबर को भी कुछ कुछ देशों में मनाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। देखिए दुनिया भर में दिनक जो है आपका 26 सितंबर के दिन हर साल विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। भारत के अलावा कई देशों में लोगों में गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर जानकारी दी जाती है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है वो आपका 26 सितंबर 2007 से हुई थी। गर्भ निरोधक दिवस को मनाने का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को यौन जागरूकता की जानकारी देना, लोगों को समय समय पर कार्यक्रम कर जानकारी देना, युवा पीढ़ी को गर्भ निरोधक के उपायों के बारे में बताना,
इस कार्यक्रम में लोग गर्भधारण के बचाव के बारे में बताया जाता है। भारत में WCD इसके लिए काम करती है, जो प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ NGO और अस्पतालों की मदद से काम करती है। शहरों ही नहीं बल्कि गांव तक लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 26 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।